लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें आखिरी चरण के मतदान आज 19 मई को सुबह से ही शुरू है। 8 राज्यों के 59 सीटों पर आज सुबह से मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 सीटों के लिए मतदान जारी है। यह तस्वीर यूपी के गोरखपुर 64 लोकसभा चुनाव में इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर मतदान केंद्र के वार्ड नंबर 12 की है, जहां आज पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मंत्री संजय सिलांकुर और राहुल गुप्ता से गोरखपुर संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव ने किया चुनाव की स्थिति पर वार्ता। संजय सिलांकुर, महानगर महामंत्री संगठन हिंदू वाहिनी गोरखपुर, महानगर संगठन आई टी सेल हिंदू वाहिनी। अच्छा, वो ये क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, 12:15 बज रहे हैं, और ऐसे में अभी तक हम लोगों को लगता है कि 20% से ऊपर का मतदान हो चुका है। 20% ऊपर, और जनता मन बना ली है, जनता खुद स्वतः निकल रही है वोट देने के लिए। उपचुनाव से कहीं बेहतर इस बार का परिणाम होने वाला है और अप्रत्याशित परिणाम आने वाला है। जनता इस समय कह नहीं रही है, लेकिन अपना काम कर रही है। जनता उत्साहित है वोट देने के लिए, उत्साहित है वोट देने के लिए। मतदान का प्रतिशत भी इस बार बढ़ेगा। जी जी, प्रचंड धूप है, प्रचंड मतलब इस धूप को देखते हैं, मौसम की परिस्थितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता निकल रही है। इसके बावजूद भी बूथों पे बहुत ज्यादा भीड़ है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में भी उत्साह है, महिलाओं में भी उत्साह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? ऋषि मोहन वर्मा, महानगर संयोजक हिंदू युवा। धन्यवाद। परिचय सर? मैं सुशंकर गौड़ हूँ, जंतरिया बिहार कॉलोनी का निवासी हूँ, और आज हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं प्रदेश सचिव भी हूँ समाज छात्र सभा का, मैं सेक्टर पे बैठा हूँ और सेक्टरों पे मतदाताओं को जागरूक कर रहा हूँ कि उनका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा, उनका एक एक वोट भारतीय संविधान को जीत रखा, उनका एक एक वोट विकास को जाएगा। लेकिन स्थानीय बीएलओ, स्थानीय बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के पार्षदों ने जो जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम को कटवाने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उनका नाम कटवाने का काम किया। ये पूरा पन्ना मैं आपको दिखा दूँ, ये सभी लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, इसमें से केवल एक लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी सभी लोग जीवित हैं, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये नाम कटवा दिया है। अब एक व्यक्ति से आप मिले थे जिसके घर में 21 वोट था, उसका भी नाम कटवा दिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और बाबा मुख्यमंत्री डर गए हैं समाजवादी पार्टी से और माननीय रामभुवन निशा जी से, लेकिन उनके डर को और बरकरार रखना है। और माननीय रामभुवन निशा जी, लगभग 2 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर परिवर्तन के लिए निकला है। आप बूथों तक जाएंगे, देखिए लंबी लाइन लगी है, 6 बजे से हम लोग बैठे थे, लंबी लाइन लगी हुई है, अभी भी मेला लगा हुआ है, लोग नाम खोज रहे हैं, उत्साहित है। इन सभी बातों को लेकर मैं निवेदन करूँगा, जितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, आप अपने घरों से निकलिए, बुजुर्गों से निकालिए और साइकिल वाले बटन पर वोट डाल दीजिए समाजवादी पार्टी को, माननीय रामभुवन निशा जी। जनता उत्साहित है या नहीं वोट देने के लिए? जनता बहुत उत्साहित है भैया, 6 बजे तक, 6 बजे तक यहाँ फिर लग गई और साथ ही ईवीएम हुआ है। रमजान के पाक महीने में सलमान वोट देने के लिए तुम उत्साहित है, और 6 बजे तक हम लोगों का चैलेंज है, मुसलमानों का एक एक वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी पर पड़ेगा। रमजान के पाक महीने में अल्लाह ताला की दुआ होगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी 2 लाख वोटों से रामगढ़ निशा चुनाव जीतेंगे गोरखपुर। जनता के विचारों को देख के या जनता की भीड़ देख के क्या विचार है? 2019 के इस महापर्व जनता काफी उत्साहित है। इस वक्त प्रचंड गर्मी को देखते हुए भी सबसे ज्यादा तो देखने को महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ना है, क्योंकि उपचुनाव को हल्के में ले जाते हुए जनता ने ये सोच रखा था कि पूज्य महाराज जी को अगर हम 3 लाख वोट से चुनाव जिताते हैं, इस बार हम नहीं भी देने जाएंगे, तो भी वो 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे। शाम में हर सिंधा निकलने के कारण पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन ये चुनाव बताएगा कि इस प्रचंड गर्मी से भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है, और रिजल्ट ऐतिहासिक होगा। आप स्वतः बूथों पे जाके देख सकते हैं कि क्या उत्साह है। मैं बूथ पे गया था, बूथ पे मैंने देखा बहुत सारे भीड़ थे, बहुत काफ़ी भीड़ थे, बहुत उत्साह था जनता की। अभी तक तो इस गर्मी में धूप में लगभग 20 से 22% मतदान हो चुके हैं, 20 से 22% मतदान हो चुके हैं।
9 बजे तक का रुझान 11 से 12% था और अभी रुझान 22% हो चुके होंगे और फिर आपको 4 बजे के बाद और भी रुझान हमारा अनुमान है कि लगभग ये परसेंटेज हमारा 50 से 60% जाना ही जाना है और हमारे पूर्ण अच्छे तरीके से प्रचंड मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल ये अति उत्साह में नहीं, ये मतदाताओं के उत्साह को देख के लग रहा है, मतदान को देखते हुए लग रहा है। ठीक, हम आत्मविश्वास में नहीं, हम मतदान पे विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। बताइए परिचय अपना। आज मतदान को देखते हुए, बूथों पे कतारों को देखते हुए ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि लोग गोरखपुर के जागरूक हो चुके हैं, मतदान के प्रति। इतनी धूप में भी लोग की लाइनें लंबी लंबी दिखाई दे रही है, चारों तरफ सिर्फ वोट मतदान के प्रति लोग उत्साहित हैं। वो अपने वोटों को डाल के मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार लाना ही चाहते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा है। चारों तरफ गोरखपुर में चौतरफा विकास हो रही है, फर्टिलाइजर मोदी जी के देन है, एम्स है, ये सारी विकास के मुद्दे हैं जो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। इन्हीं मुद्दों पे वोट पड़ रहे हैं और आने वाले 23 तारीख को पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की पुनः बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बताएं आपका परिचय। मेरा नाम संदीप आजाद, समाजवादी पार्टी से हैं जी। माननीय रामभूपाल निषाद के एजेंट जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से मतदाता लोग काफ़ी चढ़ बढ़ के बाद हिस्सा ले रहे हैं और जिन लोगों का नाम बूथ में लिस्ट में नाम है, वोटर कार्ड है उन लोगों के पास, उनका पूरा लिस्ट में से नाम काट दिया गया है। पूरा पेज में से 21 लोगों का, 25 लोगों का नाम उनके लिस्ट में से नाम काट दिया गया है। बीएल लोकपाल से पूछने से बीएल लोग कोई जवाब नहीं दे रहे, पर्ची तक पूरी घर भर में नहीं पटी है अभी तक। हालांकि बोला जा रहा है कि पर्ची जो है मैक्सिमम, बहुत सारे पर्चियाँ इस बार बढ़ चुके हैं। नहीं, बीएल लोग एकदम साफ झूठ बोल रही है कि आप खुद देखिए पर्ची, आप देखिए 21 वोट में एक भी वोट नहीं, एक भी वोट नहीं, 21 वोट में एक भी वोट नहीं। अभी हमारे पास पूरा पेज है, उसमें सब जीते हुए आदमियों को लोग डिलीट कर दिया, अभी जिंदा उसको इन्होंने डिलीट कर दिया, घोषित कर दिया। अभी ये लोग पूरा भाजपा के एजेंट बन के ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग टोटल भाजपा के एजेंट बन के लोग काम कर रहे हैं, पैसे के दम पे भी ये लोग काम कर रहे हैं और भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले नहीं पता चला इनका नाम सूची में है नहीं है, या इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी? आप खुद पूछिए दी, अभी पार्षद वाले में चुनाव में इन्होंने वोट दिया, 11 चुनाव में आपने वोट दिया था, 21 वोट इनके घर में है, आके यहीं पे दिए थे। तो इस बार आपका नाम नहीं आया, आपके घर में किसी का नाम नहीं आया? किसी का नाम आया क्या भैया? नाम नहीं आया, मोहल्ले के स्थानीय पार्षद जान में है कि सपा पे वोट देते, इनके वजह से इनका पूरे खानदान का नाम काट दिया गया। अच्छा, क्योंकि भाजपा ये सोच रही है कि मैं हार रहा हूँ इसलिए मुसलमानों का वोट काट रही है, और कोई एजेंडा भाजपा के पास है नहीं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।